हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं एडवोकेट सनी शर्मा, और दोस्तों ये वीडियो भी आप ही की रिक्वेस्ट पर है। बहुत सारे दिनों से एक और कमेंट्स में पढ़ रहा था, लगातार अलग अलग व्यक्तियों की, सर प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में कुछ बताइए, प्राइवेटली जो हम केस करते हैं उसकी प्रोसीजर क्या होती है, कैसे हम उसमें जाते हैं और किस तरह से चीज़ों को लेके आना होता है, क्या क्या नेसेसिटीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे अगर देखा जाए। कई लोग पूछते हैं कि सर जब 498A पुलिस के द्वारा दर्ज ना हुआ, वो डायरेक्ट कोर्ट में दर्ज हुआ उस केस में, तो वो भी एक प्राइवेट कंप्लेंट ही होती है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए आज का वीडियो है। और यदि हस्बैंड है आपके पास, बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो आपकी वाइफ के खिलाफ हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस उनको एंटरटेन नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में उन सबूतों के बेस पर आप खुद से भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो सब कुछ, पूरा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में विद सेक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे कैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपके साथ कुछ गलत हुआ, मीन्स आपके साथ कोई मार पिटाई हो गई, कुछ लोग आपके घर पर आए, आपको मारा पिटा, गाली गलौज करी और धमकी धमकी दे करके चले गए। अब आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि जो भी आपके साथ मार पिटाई हुई उसका जाकर के मेडिकल करवाना है, ताकि कल को आपके सपोर्ट में कुछ चीज हो। तो जब आप मेडिकल करवा लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें, जहाँ भी आपको चोट खरोच जो भी लगी है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। इंटरनल इंजरी हुई है तो वो भी आप मेडिकल में बताएंगे कि मुझे अंदर यहाँ पे पीड़ा हो रही है, तो उस चीज़ को भी उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। मेडिकल कराने के तुरंत बाद आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे अपने थाने में, और उसके साथ मेडिकल की कॉपी अटैच करके थाने में जा करके रिसीव करवा लेंगे। रिसीव करवाना जरूरी है दोस्तों, अगर आपने रिसीव नहीं कराया, जाके दे दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके एक कॉपी पर रिसीविंग लेके वापस आ जाए। यदि पुलिस वाले रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उस केस में आपको बाय पोस्ट अपने थाने को ये कंप्लेंट मेडिकल की कॉपी के साथ भेज देनी है। तो उसकी जो आपके पास पर्ची आएगी स्पीड पोस्ट की या रजिस्टर्ड पोस्ट की, उससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और वही आपकी रिसीविंग भी मानी जाएगी। तो अब दोस्तों इतना काम हम लोगों ने करना है। इतना काम करने के बाद आप 30 डेज तक वेट करेंगे, इसलिए कि पुलिस कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती एक्यूज के खिलाफ। यदि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, या आपको लगता है कि पुलिस ने आपको बुलाया, उनको बुलाया, लेकिन किया कुछ नहीं, और इसी तरह से एक महीने का समय गुजर जाता है, तो दोस्तों आफ्टर 30 डेज आप एक अपनी तरफ से मुकदमा तैयार करेंगे संबंधित धाराओं में। फॉर एग्जांपल, उन्होंने आगे मारपीट करी थी तो 323, ज़्यादा गंभीर मारपीट थी तो 325, 326 भी लग सकता है। गाली गलौज करी, धमकियाँ दी, 504, 506 लगेगा। आपसे किसी प्रकार की पैसे की डिमांड कर रहे थे, आपको धमकियाँ दे के, तो 383, 384 भी लगेगा। इसी प्रकार से समाज के सामने आपकी बदनामी करी, पब्लिकली आपकी इंसल्ट करी, तो उस केस में 499, 500 भी लगेगा। यानी जो जो भी उन्होंने अपराध कारित किए हैं उससे संबंधित सारी धाराएं उस कंप्लेंट के अंदर आप लिख देंगे। जबरन आपके घर में घुसे तो उसके लिए भी धाराएं लग जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी धाराएं लगाते हुए आपने कंप्लेंट तैयार करनी है, सीधा आपके थाने की जो कोर्ट पड़ती हो उस कोर्ट में जाकर के वो कंप्लेंट आपके वकील साहब के थ्रू आपको दाखिल कर देनी है। और उसमें जितने लोग आपके घर पे आए थे, जितने लोगों ने घटना कारित करी थी, उन सब लोगों के नाम होंगे, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो। अब दोस्तों जब आप ये कंप्लेंट कोर्ट में करेंगे तो इसके साथ में आपको मेडिकल की एक कॉपी लगानी है, और थाने पे जो आपने भेजी थी कंप्लेंट उसकी भी एक कॉपी आपको लगानी है कि हमने थाने पे भी दी थी, लेकिन एक महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम कोर्ट में आए हैं। अब दोस्तों मजिस्ट्रेट सबसे पहले कंप्लेनेंट को बुलाएगा, यानी जिसके साथ मारपीट हुई है उसको बुलाएगा, और उससे 200 CRPC में बयान लेगा कि आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था, और मजिस्ट्रेट उन बयानों को अपने आप लिखेगा। तो आपको सारी वही बात बतानी है जो कि आपने अपने प्लेंट में लिखी है, ऐसा ना हो कि प्लेंट में कुछ और लिख दिया, बोल कुछ और रहे। तो आप एक बार प्लेंट को पढ़ भी लें कि प्लेंट में लिखा क्या है, तो जो प्लेंट में आप लिख के दे रहे हैं वही आपको वहां पे बताना है। अब मजिस्ट्रेट आपसे बयान ले लेगा, उसके बाद आपकी फाइल लग जाती है 202 CRPC पे। अब 202 CRPC में यदि आपके पास कोई और इविडेंस है इससे रिलेटेड, कोई आपके पास CD है, आपने कोई फोटोग्राफ निकाला हुआ है या कुछ और है, तो वो चीज़ें आप सारी 202 CRPC में कोर्ट के अंदर जमा करा देंगे। इसके बाद दोस्तों आता है 203 CRPC, जहाँ पे मजिस्ट्रेट देखता है और उसे लगता है कि आपके दावे में दम नहीं है, आपके दावे में कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई सच्चाई हो, तो उसे खारिज भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन के साथ इस प्रकार से होता है, मतलब आपके फादर के साथ हो गया, मदर के साथ हो गया, जिनका बार बार कोर्ट में जाना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन 205 CRPC, इसके अंतर्गत आप कोर्ट को ये बात बता सकते हो, और कोर्ट अगर चाहे तो अपने विवेक से अपने आप संज्ञान लेकर के उनको पर्सनल अपीयरेंस से मुक्ति भी दे सकती है। इसके बाद दोस्तों वो जो फाइल होती है वो आपकी बहस तलबी पे लग जाती है, मींस आपको कोर्ट में आर्ग्यू करके कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि घटना एक्चुअल में घटी थी, इन इन लोगों के द्वारा कारित की गई थी, इसलिए जो कोर्ट है वो इन सब लोगों को समन करे। अब कोर्ट आपके आर्ग्यूमेंट से, यानी आपके वकील साहब के आर्ग्यूमेंट से जिस लिमिट तक भी कन्विंस होती है, और
अपने विवेक से देखती है कि किस किस को समन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 10 लोगों के नाम लिखे हैं तो कोर्ट 10 को ही समन करेगी। और कोर्ट को लगता है केवल 5 ही लोगों पे बन रहा है, 5 पे नहीं बन रहा, तो कोर्ट केवल 5 लोगों को भी समन कर सकती है। तो ये कोर्ट का अपना निर्णय होगा, अपना माइंड अप्लाई करके कोर्ट देखेगी कि कितने लोगों को समन किया जाना चाहिए। जितने भी लोगों को समन जाएगा वो यानी उसमें एक्यूज हो गए, उसके बाद उनको वहां पर आना भी पड़ेगा, मुकदमा लड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास प्रूफ है तो ऑब्वियसली आप उसे प्रूफ कर दोगे। जो प्रूफ आपके पुलिस नहीं ले रही थी, अब वो जब आपके एविडेंस का टाइम आएगा तो आप डायरेक्टली कोर्ट में दाखिल करोगे और अपने मुकदमे में अपना वकील करेंगे, वो अपना वकील करेंगे, दोनों के प्राइवेट वकील होंगे। और अपने अपने वकील के माध्यम से आप सारी चीजों को कोर्ट के सामने ला के साबित करेंगे और ऐसे दोषियों को सजा दिला सकते हैं जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर होता है प्राइवेट कंप्लेंट का। प्राइवेट कंप्लेंट में भी सब कुछ ऐसा ही होता है, बस केवल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। प्रक्रिया वही है, पहले आपके एविडेंस होंगे, फिर उनके एविडेंस होंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे और उसके बाद जजमेंट पे फाइल पहुंचेगी। प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस यही है कि पुलिस का जो एफआईआर वाला पार्ट होता है वो इसमें नहीं होता, चार्जशीट वाला जो पार्ट होता है वो इसमें नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने साथ हुए गलत कार्य के लिए, गलत घटना के लिए डायरेक्टली कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।